हेलो दोस्तों, कुहूस आर्ट गैलरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लाडले बेटे के लिए एम लेटर से स्टार्ट होने वाले बहुत ही प्यारे नाम लेकर आए हैं, जिसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो फिर चलिए शुरू करें। पहला नाम है मल्हार। मल्हार का अर्थ होता है राग। आजकल मल्हार नाम ट्रेंड में है, आप अपने बच्चे को मल्हार नाम दे सकते हैं। अगला नाम है मनय। मनय का अर्थ होता है मोहक। मनय एक बहुत ही प्यारा नाम है, आप अपने बच्चे को मनय नाम दे सकते हैं। अगला नाम है मलय। मलय का अर्थ होता है चंदन। मलय बहुत ही प्यारा नाम है, आप अपने बच्चे को मलय नाम दे सकते हैं। अगला नाम है मृगांक। मृगांक का अर्थ होता है चंद्रमा। मृगांक बहुत ही प्यारा नाम है, आप अपने बच्चे को मृगांक नाम दे सकते हैं। अगला नाम है मंथन। मंथन का अर्थ होता है विचार विमर्श। मंथन एक बहुत ही प्यारा नाम है, आप अपने बच्चे को मंथन नाम दे सकते हैं। अगला नाम है मनवीत। मनवीत का अर्थ होता है मानवता। मनवीत एक बहुत ही प्यारा नाम है, मनवीत नाम आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगला नाम है मलकीत। मलकीत का अर्थ होता है माहिर। मलकीत एक बहुत ही प्यारा नाम है, आप अपने बच्चे को मलकीत नाम दे सकते हैं। अगला नाम है मितेश। मितेश का अर्थ होता है इच्छा। मितेश भी बहुत ही प्यारा नाम है, आप अपने बच्चे को मितेश नाम दे सकते हैं। अगला नाम है मृणाल। मृणाल का अर्थ होता है कमल का मूल, अर्थात कमल की जड़। इस नाम के लोग कमल पुष्प की भांति सौम्य स्वभाव के होते हैं, आप अपने बच्चे को मृणाल नाम दे सकते हैं। अगला नाम है महंत। महंत का अर्थ होता है महान। महंत बहुत ही प्यारा नाम है, आप अपने बच्चे के लिए महंत नाम का चयन कर सकते हैं। अगला नाम है मानवीर। मानवीर का अर्थ होता है बहादुर। मानवीर नाम के लोग काफी बहादुर होते हैं, आप अपने बच्चे को मानवीर नाम दे सकते हैं। अगला नाम है मिराज। मिराज का अर्थ होता है भूमि। मिराज नाम के लोग जमीन से जुड़े हुए होते हैं, आप अपने बच्चे के लिए मिराज नाम का चयन कर सकते हैं। अगला नाम है माहिर। माहिर का अर्थ होता है विशेषज्ञ। माहिर बहुत ही प्यारा नाम है, आप अपने बच्चे को माहिर नाम दे सकते हैं। अगला नाम है मिहित। मिहित का अर्थ होता है आनंद। मिहित एक बहुत ही प्यारा नाम है, आप अपने बच्चे को मिहित नाम दे सकते हैं। मिहित नाम आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगला नाम है मृदुल। मृदुल का अर्थ होता है सौम्य। इस नाम के लोग अपने नाम के अनुरूप सौम्य स्वभाव के होते हैं, आप अपने बच्चे को मृदुल नाम दे सकते हैं। मृदुल नाम आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगला नाम है मितांश। मितांश का अर्थ होता है मित्र। मितांश बहुत ही प्यारा नाम है, आप अपने बच्चे को मितांश नाम दे सकते हैं। अगला नाम है मीरांश। मीरांश का अर्थ होता है स्वतंत्रता। मीरांश एक बहुत ही प्यारा नाम है, आप अपने बच्चे के लिए मीरांश नाम का चयन कर सकते हैं। अगला नाम है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति। मोक्ष भी बहुत ही प्यारा नाम है, आप अपने बच्चे को मोक्ष नाम दे सकते हैं। अगला नाम है मानस। मानस का अर्थ होता है मन। मानस बहुत ही प्यारा नाम है, आप अपने बच्चे को मानस नाम दे सकते हैं। मानस नाम आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगला नाम है मनन। मनन का अर्थ होता है ध्यान। मनन एक बहुत ही प्यारा नाम है, आप अपने बच्चे को मनन नाम दे सकते हैं। अगला नाम है मेहुल। मेहुल का अर्थ होता है बारिश। मेहुल बहुत ही अच्छा नाम है, आप अपने बच्चे को मेहुल नाम दे सकते हैं। अगला नाम है मृणांक। मृणांक का अर्थ होता है चंद्रमा की तरह आकर्षक, आप अपने बच्चे के लिए मृणांक नाम का चयन कर सकते हैं।